हमारे साथ इस समय मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश पचौरी साहब। सुरेश पचौरी साहब ने अभी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सर, आप तो बहुत करीबी थे कांग्रेस लीडरशिप के, 10 जनपद के बहुत सीनियर पोजीशन में कांग्रेस की तरफ से आपने रोल निभाया, यूनियन गवर्नमेंट में आप रहे। क्या बात हो गई कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और बीजेपी के साथ? कोई ऐसी गंभीर बात नहीं हुई और मैंने कभी करीबी होने का और नजदीक होने का दावा नहीं किया, लेकिन इस बात पे गर्व जरूर किया कि मुझ पर विश्वास समय समय पर व्यक्त किया जाता रहा। तो मैं अपना रिफ्रेम करता हूं, आप बहुत विश्वसनीय थे, लेकिन इसके विपरीत मैं भी उन सारी कसौटियों पर खरा उतरने की मैंने कोशिश की कि मेरे ऊपर कहीं भी सवालिया निशान न लगे। जब कोई ये कहता है कि मुझे बहुत जिम्मेदारी मिली, तो मैंने भी बहुत जिम्मेदारी निभाई, सारी जवानी लगा दी और किसी को प्रश्न उठाने का अवसर नहीं दिया। अब क्या बात हो गई सर, आप जो छोड़ के चले गए? मैंने कारण बताए हैं अभी। चलो सर, क्या क्या राम मंदिर में जो जिस तरीके से आपने कहा कि भाई जो इनविटेशन था उसको रिजेक्ट करना एक मेजर कारण रहा? नहीं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपके, ठुकरा दिया गया। देखिए, शब्दावली होती है, वही निमंत्रण पत्र को के लिए शब्दावली का प्रयोग अखिलेश यादव जी ने भी किया, लेकिन शालीनता और विनम्रता से किया। सरोज पचौरी के स्टेचर के हिसाब से क्या बीजेपी में उनको कोई रोल आगे आने वाले? मुझे मेरी कोई चाह नहीं है, मैं किसी पद का ना अभिलाषी हूँ ना मेरे मन में कोई आकांक्षा। लोकसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन की तो टिकट फाइनल हो गई, इसीलिए मैंने अभी ये फैसला किया। मन तो विचलित बहुत पहले से था। थैंक यू सो मच सर।